दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया। घर पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ था। घर के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा और फैंस को हर साल की तरह इस बार भी शाहरुख की एक झलक पाने का इंतजार था। लेकिन इस बार शाहरुख खान का बर्थडे पूरी तरह से अलग हुआ, क्योंकि बेटा आर्यन खान अभी अभी जेल से बाहर आया है और अब आर्यन खान को लेकर कई खबरें पहले भी आ रही थी कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, बातों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो तो और भी ज्यादा गंभीर है दोस्तों। हालत ये है कि आर्यन खान की मां गौरी खान अपने बेटे से परेशान हो गई हैं, और वो भी सिर्फ 2 दिन में। गौरी ने जबरदस्ती आर्यन का ब्लड टेस्ट तक करवा दिया, जिसके लिए आर्यन तैयार नहीं था। और शाहरुख के बर्थडे वाले दिन, जी हाँ, शाहरुख के बर्थडे के दिन आर्यन ने घर के अंदर कोहराम मचा दिया। तो क्या हुआ ऐसा सुबह सुबह, क्यों हो गया हंगामा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय, अपनी बात जरूर रखें कि क्या आर्यन खान को शाहरुख खान कभी पटरी पर ला पाएंगे। तो आर्यन खान 30 अक्टूबर को जेल से छूटने के बाद घर पहुंचे थे और आर्यन को लेकर कई तरह के अपडेट्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमने ही आपको बताया था कि घर पर डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई थी, और ये भी हमने बताया था कि शाहरुख खान जल्दी अपने बेटे को अलीबाग शिफ्ट करने वाले हैं, ताकि आर्यन एकांत में रह सकें, मीडिया और अपने दोस्तों से दूर रह सकें। अब इस बीच शाहरुख खान के घर मन्नत से जो खबर आ रही है वो हैरानी भरी है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान के बर्थडे पर सुबह सुबह कहाँ तो घर में पार्टी और जश्न की तैयारी चल रही थी, और कहाँ अचानक पैथोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ा है। जी हाँ, मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मन्नत में आर्यन खान का ब्लड टेस्ट करवाया गया। आर्यन खान के कई तरह के टेस्ट करवाए गए, जिसमें से कई सारे वाइटल टेस्ट हैं, तो कुछ हार्मोन और बिहेवियरल टेस्ट भी शामिल हैं। और ये सब कुछ फैसला अचानक सुबह सुबह लिया गया। जी हाँ, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। गौरी खान की तरफ से अचानक से पैथ स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और जबरन आर्यन खान के ब्लड सैंपल लिए गए। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने ब्लड टेस्ट से इनकार कर दिया था, मगर आर्यन की हरकतों से और आर्यन की बातों से, आर्यन के चीखने चिल्लाने से गौरी खान 2 दिन में ही परेशान हो चुकी हैं, और इसीलिए गौरी खान ने जबरदस्ती आर्यन खान का ब्लड सैंपल जांच के लिए भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। गौरी खान जानना चाहती है कि आखिर आर्यन के शरीर में ऐसा क्या बदल गया कि जेल से आने के बाद आर्यन खान 360 डिग्री बदला हुआ नजर आ रहा है। उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव, सब कुछ बदला हुआ है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान के बर्थडे पर सुबह सुबह ही आर्यन खान ने घर के अंदर तमाशा खड़ा कर दिया, जो कि लगभग पागलपन के दौरे जैसा था। जी हाँ, आर्यन के जेल से बाहर आने के बाद हालत वैसे ही ठीक नहीं है, और सूत्रों के मुताबिक शाहरुख के बर्थडे पर सुबह सुबह जब आर्यन खान से जश्न की बात की गई, पार्टी की बात की गई, तो आर्यन खान बुरी तरह से चिल्लाने लगे। हालत ये थी कि आर्यन ने अपने पिता शाहरुख को बर्थडे विश भी नहीं किया था, मगर पहले ही तमाशा खड़ा कर दिया। हालांकि घर में मौजूद लोगों के मुताबिक कुछ देर बाद आर्यन संभला और अपने पिता शाहरुख खान को बर्थडे विश भी किया, लेकिन तब तक आर्यन काफी कुछ हंगामा मचा चुका था, और शाहरुख के साथ गौरी भी आर्यन के इस बिहेवियर से बेहद ज्यादा परेशान हो गई, और इसीलिए आनन फानन में पैथ स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और ब्लड टेस्ट कंडक्ट करवाया गया। आगे देखिए, शाहरुख खान पहले चाहते थे कि अलीबाग में उनका जन्मदिन मनाया जाए, मगर आर्यन खान इसके लिए तैयार नहीं हुए। जी हाँ, आर्यन ने फिलहाल कहीं भी बाहर जाने से खुद ही इनकार कर दिया है, और इसीलिए मन्नत में ही जश्न का प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन उस पर भी आर्यन ने सुबह सुबह ही पानी फेर दिया। माना जा रहा है कि जेल में रहने के बाद आर्यन की मानसिक हालत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है। जेल में रहने के बाद आर्यन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये बात शाहरुख खान के साथ गौरी खान भी जान चुकी हैं, और इसीलिए शाहरुख के बर्थडे पर सुबह सुबह पार्टी के बजाय पैथ स्पेशलिस्ट को बुला लिया गया, और उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। यही नहीं, गौरी खान ने मुंबई के एक बड़े न्यूट्रिशनिस्ट को भी बुलाया, ताकि आर्यन खान की हेल्थ के मुताबिक उसका डाइट प्लान तैयार किया जाए और उसी हिसाब से उसके शरीर को ठीक किया जाए, क्योंकि मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी आर्यन खान बेहद कमजोर हो चुके हैं, और न्यूट्रिनिस्ट के लिए भी अलग अलग से ब्लड टेस्ट करवाए गए, ताकि सही डाइट चार्ट तैयार किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर शाहरुख के बर्थडे का जश्न इस बार पूरी तरह से फीका ही रहा। आर्यन खान की हालत से पूरा घर परेशान है। गौरी खान तो
सिर्फ दो दिन में ही बुरी तरह से परेशान हो चुकी हैं, डर चुकी हैं और आर्यन को लेकर गौरी बेहद ज्यादा तनाव में बताई जा रही हैं। आर्यन खान की मानसिक हालत को देखकर आर्यन की शारीरिक हालत को लेकर गौरी खान लगातार चिंता में हैं और अपने कई दोस्तों से भी इसे लेकर बात कर चुकी हैं। वैसे हम तो एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि शाहरुख खान और गौरी खान अपने बेटे का अभी इतना जो ध्यान रख रहे हैं, इतना जो वक्त दे रहे हैं, अगर यही वक्त और ध्यान पहले दिया होता तो शायद, जी हाँ, शायद ये कंडीशन आती ही नहीं। तो आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फाइनली 30 अक्टूबर को जमानत के बाद जेल से बाहर आना नसीब हुआ। खुद शाहरुख खान एक महीने तक आर्यन की जमानत के लिए दिन रात जुटे रहे, कई सारे वकीलों की फौज खड़ी कर दी और उसके बाद ही जमानत मिल पाई। अब जमानत मिल तो गई लेकिन रद्द भी हो सकती है। जी हाँ, अपने बेटे आर्यन खान पर खुद शाहरुख खान को ही भरोसा नहीं है, आर्यन खान पर, उसके बिहेवियर पर शाहरुख का भरोसा टूट चुका है, उठ चुका है और इसीलिए शाहरुख ने आर्यन पर ही बैन लगा दिया है, गेट पर ताला जड़ दिया है और तीन तरह की शर्तें लगा दी हैं। अब वो क्या क्या है तीन शर्तें, वो आप पहले देखिए। तो जमानत के ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि आर्यन खान विदेश नहीं जा सकते क्योंकि उनका पासपोर्ट जमा होगा और शाहरुख खान ने खुद ही एनसीबी के पास अपने बेटे आर्यन का पासपोर्ट जमा करवा दिया है। लेकिन शाहरुख को फिर भी लगता है कि आर्यन खान अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। अब शाहरुख खान ने आर्यन पर बैन लगाया और पहली शर्त आर्यन के लिए ये रखी है कि आर्यन खान घर से बाहर निकलेगा ही नहीं। जी हाँ, शाहरुख ने साफ साफ अपने स्टाफ को हिदायत दे दी है कि आर्यन खान उनकी मर्जी के बगैर घर से बाहर नहीं जाएगा। आर्यन के लिए घर के गेट पर ताला लगा दिया गया है और गेट कीपर को, सिक्योरिटी टीम को सिर्फ शाहरुख खान के ही कहने पर आर्यन को घर से बाहर जाने देने का आदेश दिया गया है। इसमें गौरी खान की भी भूमिका नहीं होगी। जी हाँ, गौरी खान की बात को भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं सुनेगा और ये साफ साफ सीधा आदेश सिक्योरिटी टीम को दे दिया गया है शाहरुख खान की तरफ से। और इसका मतलब यही है कि शाहरुख खान नहीं चाहते हैं कि आर्यन खान घर से बाहर कहीं भी निकल जाए और फिर से परेशानी खड़ी हो जाए और कहीं जमानत न रद्द हो जाए। अब शाहरुख खान की दूसरी शर्त गेट के दूसरी तरफ लगे ताले की है। जी हाँ, शाहरुख के आदेश के बाद आर्यन का घर से निकलना तो नामुमकिन है। वहीं शाहरुख ने आर्यन के दोस्तों के लिए भी घर में एंट्री बंद करा दी है और उनके लिए गेट के बाहर ताला लगा दिया है। और यहाँ भी शाहरुख ने आर्यन को साफ साफ कह दिया है कि अभी किसी भी दोस्त से नहीं मिलना है, आर्यन का कोई भी दोस्त अभी मन्नत में नहीं आएगा। और इसके लिए भी साफ साफ आदेश सिक्योरिटी टीम को दिया जा चुका है कि बिना शाहरुख खान की इजाजत के आर्यन से मिलने कोई भी घर के अंदर नहीं आ पाएगा। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान को भरोसा नहीं है कि आर्यन खान दोस्तों से ना मिले। जी हाँ, जमानत ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि आर्यन इस केस में शामिल अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे और किसी भी गवाह को, सबूत को छेड़छाड़ करने की कोशिश तक नहीं करेंगे। और शाहरुख को लगता है कि नासमझी में आर्यन अपने किसी दोस्त से मिल सकता है और दोस्ती में ये बातें भी हो सकती हैं कि क्रूज में क्या हुआ था, उसके बाद जेल में क्या हुआ और फिर आगे क्या होगा, ये बातें आर्यन खान की जमानत रद्द भी करवा सकती हैं। और इसीलिए शाहरुख खान चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर आर्यन की जमानत रद्द ना हो, लिहाजा आर्यन के दोस्तों की एंट्री पर सीधे सीधे बैन लगा दिया गया है। शाहरुख खान की आर्यन के लिए तीसरी शर्त सबसे बड़ी है और वो ये है कि आर्यन खान किसी के भी साथ मैसेजेस में कोई चैट नहीं करेगा। जी हाँ, शाहरुख को भी पता है कि आर्यन की चैट की वजह से ही वो ज्यादा इस मामले में लंबा खिंच गया, लंबा मामला फंस गया और ज्यादा दिन तक आर्यन को जेल के अंदर रहना पड़ा। और यही चैट्स आगे भी आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं क्योंकि अभी आर्यन खान को बरी नहीं किया गया, आर्यन को अभी सिर्फ जमानत मिली है। और यही नहीं, चैट्स डिलीट करने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, एनसीबी के पास वो सारे हथकंडे मौजूद हैं, वो सारे डिलीट चैट्स भी निकाल लेती हैं। और इसीलिए शाहरुख खान ने साफ साफ कहा है कि किसी से भी चैट नहीं होगी, फोन पर भी सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात की जाएगी, नहीं तो फिलहाल किसी बाहरी से आर्यन खान नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे और चैट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कुल मिलाकर शाहरुख खान को आर्यन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है,
शाहरुख को लगता है कि आर्यन जमानत के नियम तोड़ सकता है और इसीलिए आर्यन पर ये तीन तरह की शर्तों के साथ बैन लगाया गया। और अगर आर्यन ने शाहरुख की बात नहीं मानी, जमानत की शर्तें तोड़ दी, तो फिर से जेल जाने से उसे कोई बचा नहीं पाएगा। और साथ ही साथ अगर दोबारा जेल जाना पड़ा तो दोबारा से जमानत मिलने में और ज्यादा मुश्किल होगी, या कहें कि दोबारा जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए शाहरुख खान को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और अपने बेटे को भी शाहरुख अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए लिहाजा पूरी तरह से आर्यन खान पर बैन लगा।